बहुत लोगों ने पूछा आप किस शहर से हो। मैं लखनऊ शहर से हूँ। मोहब्बत है शहर से, बहुत कुछ दिया है शहर ने और यादें जुड़ी हुई हैं बहुत सारी, और हाल फिलहाल में बहुत कुछ छीन भी लिया है शहर ने। लखनऊ से हूँ मैं, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि शिकायत आ रही है कि मैं बैंक के लिए कुछ नहीं बताता हूँ। स्क्वायर रूट, क्लॉक, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एवरेज, ये सब बैंक में नहीं आता है क्या? बिल्कुल आता है डियर, ये सब बैंक के लिए तो है। एवरेज जो है और ये जो स्क्वायर रूट, सब बैंक के लिए। आप लोग ऐसा भेदभाव क्यों करते हो कि बैंक के लिए नहीं बताते हैं? सबके लिए है, क्वेश्चन सारे हैं। एसआई कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे लेना है। देखिए, होता क्या है ना, जिसकी रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत ज़्यादा आती है, जो लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, सर इसका बताइए, तो मैं उसका बताता हूँ। हालांकि व्यू वहाँ भी नहीं मिलते मुझे। देखो, अगर चार लोग कहेंगे सर आप पाई चार्ट बता दीजिए, ठीक है, तो मैं कहूँगा ठीक है बता देते। अब चार ही लोग देखेंगे, फिर और लोग देखते ही नहीं है। तो जहाँ ज़्यादा ज़्यादा डिमांड होती है वो मैं बताता हूँ। SBI का नोटिफिकेशन बताया हमने, SBI की स्ट्रेटेजी बताई मैंने, स्क्वायर रूट, अभी एवरेज ले रहा हूँ। तो सब बैंक के लिए भी तो है, ऐसा नहीं आप लोग कि सिर्फ SSC के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाता हूँ। जहाँ मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं बैंकर्स, सिर्फ आपके क्वेश्चन है, सारे बैंक से क्वेश्चन उठाए हैं मैंने। प्रीवियस ईयर में IBPS में जितने आए हैं, SBI में जितने आए हैं एवरेज क्वेश्चन से, वो सारे मैंने यहाँ पे लिए हैं, सिर्फ बैंकर्स के क्वेश्चन ही लिए हैं। और देखिए, SSC वाले कंप्लेन नहीं करेंगे, देखिएगा, ठीक है। चलिए, इस चैनल को मैंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाय एजुकेशन, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इस सफ़र हमारे साथ आ जाइए। और हमसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, रेनू नाम था उनका शायद, जिन्होंने कंप्लेन की थी कि फेसबुक पे हमें ऐड कर लेते हो तो बातें क्यों नहीं करते, जब बातें नहीं करनी तो ऐड क्यों कर लेते हो। सॉरी डियर, अब ऐसा नहीं है। अब बताए एक्चुअली हुआ क्या है, मैं बात करना चाहता हूँ लेकिन टाइम नहीं मेरे पास। प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे मेरा मेल आईडी हो, चाहे फेसबुक हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी है, क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा बिजी हो जाता हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, शिकायतें आने लग जाती हैं कि आप ऐसा करते हो, ऐसा करते हो। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, सब कुछ आपको समझ में आएगा। और क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, बकवास नहीं करेंगे, क्वेश्चन ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर पहला आपने पार्ट नहीं देखा है एवरेज का, तो क्यों नहीं देखा भैया? प्लीज़ डू वॉच दैट, नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा या पॉपअप हो रहा होगा, वहाँ से देख लें। ये सेकंड पार्ट है और सारे क्वेश्चंस थोड़े से मॉडरेट लेवल के लिए हैं, और वो क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, पहले मैं बता दूँ होता क्या है। एवरेज इक्वल टू क्या होता है, टोटल अपॉन नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर जितने लोग हैं वो करेंगे, ऊपर यहाँ टोटल रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं दे दूँ एग्जाम्पल, अगर कहते हैं कि पूरा टोटल जो किसी चीज़ का एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है जिसमें पूरा उनका टोटल वेट जो है बच्चों का वो 500 है, ठीक है, और टोटल स्टूडेंट जो हैं, अगर स्टूडेंट है 50 हैं, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? ये टोटल है, ये टोटल नंबर ऑफ है, टोटल मतलब 550, ठीक है, कितनी बार जाएगा ये, 10 टाइम जाएगा, हाँ 10 टाइम। तो जो एवरेज निकल के आया, मतलब पर स्टूडेंट का जो अगर देखा जाए, 10 10 KG के पर स्टूडेंट हैं, 10 10 KG के होंगे तभी 50 करोगे तो 500 टोटल बनेगा ना, घुमा फिरा के बात वही आ गई, ठीक है। तो सिंपल सा आप ये याद रखो, बाकी मैं तो आपको समझा रहा हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। चलो देखो, 10 पीपुल थे, 10 लोग थे, और एवरेज जो है क्या, पर क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एवरेज वेट ऑफ 10 पीपुल इंक्रीज बाई 1.5 kg वेन 1 पर्सन ऑफ 45 kg इज रिप्लेस्ड बाई अ न्यू मैन। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं रेलवेज में, SSC में, बैंक्स में, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए एवरेज पहले क्या था, एक्स था, ठीक है, एक्स एवरेज था, टोटल नंबर ऑफ पीपल दिया हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ पीपल दिया हुआ है कितने हैं, 10 है,
तो टोटल कैसे निकालते थे, फॉर्मूला हमारा क्या था, एवरेज इक्वल टू टोटल अपॉन नंबर ऑफ। ठीक, अब नंबर ऑफ दिया है, एवरेज दिया है, इसको इंटू कर देंगे तो टोटल निकलेगा, टोटल इक्वल टू क्या निकलेगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ, नंबर ऑफ कितने 10 है, एवरेज x है, तो टोटल हमारे पास क्या आया 10x। ठीक है, देखो 10x टोटल था, ठीक है, उसमें से 45 kg का एक आदमी निकाल दिया गया है, ठीक है, और एक नया आदमी आया, इसको हम y मान लेते हैं, ठीक है, इतना समझ में। जब इसका एवरेज निकाला तो जो पहले एवरेज था उसमें 1.5 बढ़ गया, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। फाइंड वाई, गेट योर आंसर। चलो फाइंड कर लेते हैं, यहां से फाइंड करते हैं वाई को, आप यहां से इंटू करेंगे, इससे इंटू कर लीजिए, कितना आ जाएगा 10x प्लस 15, इससे इंटू कर रहे हैं यहां से इसे, ठीक है, इक्वल टू 10x माइनस 45 प्लस वाई। ठीक है, 10x से 10x कैंसिल हो गया, ये 45 इधर ले आइए, 60 हो जाएगा, y इक्वल टू 60, मतलब जो नया आदमी इंक्लूड हुआ है वो 60 kg का है। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलें आगे। चलो चलो ये देख लेते हैं, द एवरेज स्कोर ऑफ क्रिकेटर फॉर 10 मैचेस इज, देखो 10 मैचेस एवरेज भी दिया हमारे पास, एवरेज अभी क्या बताया मैंने, एवरेज इक्वल टू टोटल अपॉन नंबर ऑफ, नंबर ऑफ कुछ भी हो सकता है, बॉयज मैच, यहाँ मैचेस है हमारे पास 10 मैचेस है, ये 10 है, एवरेज हमारे पास ये दिया हुआ है 38.9, तो टोटल निकल सकता है यहाँ से, बिल्कुल निकल सकता है, हम टोटल निकालेंगे, टोटल हमारे पास कितना आया 38.9 इंटू 10, ये आएगा 389 रन्स। ठीक है, आगे बढ़े, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मैचेस, ये टोटल 10 मैचेस था, टोटल 10 मैचेस का ये निकला है, फर्स्ट 6 मैचेस का क्या दिया हुआ है एवरेज 42, 6 मैचेस का एवरेज जो उसका था वो 42 था, 42 इंटू 6 कितना आएगा, ये 12, बन गया कैरी 25। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं लास्ट 4 मैचेस, लास्ट 4 मैचेस का एवरेज हमें निकालना है। देखो टोटल हमारे पास ये है 6 मैच, ये है, अगर टोटल में से 6 हटा देंगे तो 4 मैचेस का रन बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा, तो 4 मैचेस का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल में से ये 6 मैचेस हटा देंगे, मतलब 389 में से 252 हटा देंगे, कितना आएगा 7 आएगा, ये 7 आएगा, हाँ 3 आएगा और ये 1 आएगा, 137 4 मैचेस में जो टोटल है उसके पास 137 है, पूछा क्या हमसे, आखिरी 4 मैचों का एवरेज पूछा है, तो 4 मैचेस का एवरेज टोटल हमारे पास ये है, नंबर ऑफ मैचेस अब कितने हो गए यहाँ पे 4 हो गए, तो यहाँ कर लेते हैं टोटल अपॉन नंबर ऑफ मैचेस, टोटल हमारे पास 137 है, कितने 4 मैचेस का, कितना निकल के आएगा, ये आएगा कुछ 3 टाइम 4 टाइम 2.5, 34.5 है हमारे पास, जी हाँ, सी इज द राइट ऑप्शन। आ रहा समझ में, बिल्कुल इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन बैंक के हैं, सारे बैंक में प्री में या मेंस में आए हैं, वहां से उठाया है। ठीक है, तो बैंकर्स मुंह मत फैलाएं, ठीक है, सॉरी। चलो आगे बढ़ेंगे, चलो आगे बढ़ेंगे, द एवरेज ऑफ 10 मैचेस इज 32, मतलब एवरेज टोटल अपॉन नंबर ऑफ, यही बताया मैंने, एवरेज में हमारे पास दिया हुआ है 32, नंबर ऑफ मैचेस 10 दिया हुआ है, टोटल निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज इंटू नंबर ऑफ 320। ठीक है, ये 10 मैचों में 320 रन उसने बनाए थे टोटल। ठीक है, क्या कह रहा है कि हाउ मेनी रन शुड बी स्कोर्ड, शुड 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 दो बार लिखा है, शुड स्कोर टू इंक्रीज हिज एवरेज 4, मतलब 32 था, इसको 4 इंक्रीज, 36 एवरेज लाने के लिए, मतलब अब हमारे पास एवरेज जो है वो 36 लाने के लिए 11वें मैच में क्या होगा, ये समझ में आई बात, ये अगर लाइन आपको समझ में आ गई है, जो स्कोर 32 है 4 उसको बढ़ा देना है, एवरेज जो था 32 था उसको 4 बढ़ाना है, मतलब 36 एवरेज जो है वो अब 36 करना है हमको। ठीक है, 36 करने के लिए 11वें मैच में उसको कितना स्कोर करना पड़ेगा,
10वें मैच में नहीं, 11वें मैच में जब वो गया उसने कुछ रन बनाए, और जो स्कोर था वो कहीं ना कहीं चार चार एवरेज जो था वो चार बढ़ गया। तो अब इसको इंटू कर लें, इसको इंटू करेंगे 336 × 11, 11वें मैच की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 11वें मैच में कितना आ जाएगा, 396। अब देखो 320 था 10 मैच में, और 11वें मैच में जो हो गया है वो 396, मतलब 11वें मैच में कितने बनाए उसने, 396 − 320, 76 रन, 76 रन और जोड़े हैं 11वें मैच में, तब जाके एवरेज जो है वो चार बढ़ गया है। ये बात समझ में आई, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार फिर से समझो, एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ, हालांकि करना नहीं चाहिए लेकिन करता हूँ, मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया। 10 मैचों में टोटल जो एवरेज था वो 32 था, तो टोटल निकल के आया 320, ये क्लियर है। 11वें मैच में जो एवरेज था वो चार बढ़ गया, मतलब 36 हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना निकल के आएगा, अब यहाँ जो 10 था ये भी एक बढ़ गया, तो ये हो जाएगा 11, तो टोटल निकल के आया हमारे पास 396। अब देखो जो 10 मैच का था 320 था, 11 मैच में 396 हो गया, मतलब 76 रन और बनाए हैं उसने 11वें मैच में, ये बात समझ में आती है, यही तो क्वेश्चन था, ठीक है। चलो चलो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एज वाले, और बहुत इजी है, मेरी माने बहुत इजी है, ठीक है। क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड, हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड का जो एवरेज है, ठीक है, 3 से डिवाइड किया वो है 27, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, ये 81, ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड का जो एवरेज निकल के टोटल निकल के आया, ये एवरेज है, ये नंबर ऑफ है, ठीक है। टोटल अब ये निकल के आया हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड का, जो तीनों की एज जोड़ी गई है तो 81 है, इतना क्लियर है। द एवरेज इज ऑफ वाइफ हस्बैंड, 3, अच्छा 3 साल पहले, सॉरी 3 ईयर अगो, मतलब 3 साल पहले 81 थी, तो प्रेजेंटेज क्या होगी, ये समझो प्रेजेंटेज कैसे निकालेंगे। ये 3 साल पहले थे, 3 साल इसकी उम्र जुड़ेगी, 3 साल इसकी उम्र जुड़ेगी, 3 साल इसकी उम्र जुड़ेगी, मतलब ये हो गई प्रेजेंट एज का सम। ये चीज समझ में आ गई आपको, तो क्वेश्चन पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। प्रेजेंट में लाने के लिए 3 साल एज हस्बैंड की, 3 साल वाइफ की, 3 साल चिल्ड्रन की बढ़ेगी, तो तीनों की अगर सम करेंगे तो 9 साल और बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो इसका सिंपल होता है, 3 साल पुरानी की बात है और 3 लोग ही बढ़ा रहे हैं तो 9 ऐड कर लेते हैं। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बस हस्बैंड की 3 साल बढ़ाइए, वाइफ की 3 साल बढ़ाइए, चिल्ड्रन की 3 साल बढ़ाइए, चाइल्ड की 3 साल बढ़ाइए, और चिल्ड्रन प्लूरल होता है, ठीक है, चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड की 3 साल बढ़ाइए तो 9 निकल के आएगा, ठीक है। अब 90 जो है ये प्रेजेंट एज है, आगे बढ़ेंगे। द वाइफ एंड चाइल्ड, वाइफ एंड चाइल्ड की जो एवरेज दिया गया है वो कितना है, 20, ठीक है। तो वाइफ यहाँ करते हैं, वाइफ और चाइल्ड का जो सम निकल गया 40, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, 5 ईयर गो, 5 साल पहले, मतलब 5 साल इसकी भी बढ़ा लीजिए, 5 साल इसकी भी बढ़ा लीजिए, मतलब 10 साल और बढ़ा लीजिए, तब आ जाएंगे प्रेजेंटेज में, ये आप आ गए प्रेजेंटेज में। जो प्रेजेंट एज है वो 50 साल है चाइल्ड और वाइफ की है। मैंने क्या कहा, अगर कितने, 5 साल पहले की बात हो रही है, कितने लोगों की बात, 2, 10, 10 बढ़ा ली, ये 10 मैंने ऐड किया ना यहाँ पे। अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे करिए, वाइफ और चाइल्ड, चाइल्ड की जो वो दिया गया है एवरेज दिया गया है वो 20 दिया गया, कितने, 2 लोगों का, यहां से इंटू किया 40 आया। ये 40 क्या है, 5 साल पहले की बात है, अगर 5 साल प्रेजेंट में आएंगे तो 5 साल वाइफ की एज ऐड होगी और चाइल्ड की एज ऐड होगी, 5 5 ऐड करेंगे, मतलब 10 ईयर और ऐड कर 50। पूछा क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड, जब प्रेजेंट एज तीनों की 90 है और हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की 90 है और वाइफ और चाइल्ड की 50 है, आंसर आपके सामने है, तीनों की 90 है उसमें से हस्बैंड और चाइल्ड, वाइफ और चाइल्ड की निकाल दीजिए, ये एज किसकी आई,
40 ईयर किसका आया ये? बचा कौन था? हस्बैंड ही तो बचा था। ये तीनों है ठीक है, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड। हस्बैंड वाइफ के हमने प्रेजेंट निकाली 50 है, देखिए 50 है, इस 50 को इधर ले आइए, 90 था, 90 माइनस 50 कर लीजिए, ये इधर आ जाएगा, मतलब इसकी इसकी वैल्यू 50 थी, इधर आ जाएगा तो 40, हस्बैंड इज इक्वल टू 40 ईयर। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। एज वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है ठीक है, ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अ मोटरिस्ट बाइकर ट्रेवल टू अ प्लेस 150 किलोमीटर अवे एट एन एवरेज ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू 30 किलोमीटर पर आवर इज हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। सिंपल सा है, कोई गाड़ी जाती है आती है, कुछ ट्रेन है, कुछ भी हो, जा रही आ रही है, एवरेज स्पीड आपके पास है, फॉर्मूला यही है ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला। अभी एक्सप्लेन भी मैं कर दूंगा कैसे करते हैं, फिलहाल आप ये डिस्टेंस की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये एक्स है ये 50 है और ये वाई जो है वो 30 है ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर और वाई जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर, बस आप वहाँ वैल्यू रख लो, 50 इंटू 30 अपॉन 50 प्लस 80, ये आ जाएगा इंटू टू ठीक है, कितना आएगा ये 40 टाइम, इससे कट गया कुछ पॉइंट में आ रहा है, हाँ पॉइंट में आ रहा है, कितना आएगा ये इससे 2 525 काट दिया, 75/2 ये आ जाएगा कुछ 37.5 किलोमीटर पर आवर ठीक है। ये फॉर्मूला कुछ भी हो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ट्रेन जाए और वापस आ जाए या मोटर बाइकर साइकिल कुछ भी हो, जो जा रहा है रिटर्न हो रहा है, अगर एवरेज पूछा गया है तो 2xy/x+y, ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। अगर ये समझ में नहीं आता तो कॉन्सेप्ट आप समझिए, कहता क्या है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ठीक है। हमें क्या निकालना है, एवरेज ऑफ स्पीड निकालना है ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ठीक है। अब देखो समझो, टोटल डिस्टेंस कितना है, 150 गया यहां से यहां तक एक्स से वाई तक और 150 आया, टोटल कितना हुआ, 150 गया 150 आया 300 ठीक है। टोटल टाइम कितना लिया, 150, अब ये समझना, ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं इसको लिख लेता हूँ। टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ठीक है। जब गया तो 150 गया, क्या स्पीड थी 50, कितना 3 आवर लिया उसने, जब लौटा वो वापस आया तब 150 आया लेकिन स्पीड क्या थी 30, कितना लिया उसने 5 आवर, टोटल कितना लिया 3 आवर प्लस 5 आवर मतलब 8 ठीक है, एवरेज स्पीड टोटल 8 घंटे 300 किलो, उसको निकालोगे तो आपको 37.5 किलोमीटर पर आवर ही मिलेगा ठीक है। आ रही बात समझ में, चलो ये जब जा रहा था ये जब आ रहा था, जाते समय उसने 3 घंटा लिया, आते समय उसने 5 घंटा लिया, टोटल टाइम उसने 8 घंटा लिया, बात ये भी है, लेकिन आप उस फॉर्मूले में रखना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है, उस फॉर्मूले में आप रख सकते हो। सबसे कॉमन क्वेश्चन, एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट इज 35 kg। अब देखो एवरेज क्या बताया अभी हमने, टोटल अपॉन नंबर ऑफ, यहाँ नंबर ऑफ क्या है, बॉयज हैं, हम यहाँ बॉयज लिख लेते हैं ठीक है, चलो स्टूडेंट है, बॉयज है कुछ भी लिख लो, स्टूडेंट लिख लो, चलो एवरेज हमारे पास क्या 35 है, 24 लोग थे तो टोटल निकल सकता है यहाँ से, बिल्कुल निकल सकता है, टोटल इक्वल टू 24 इंटू 35 ठीक है, ये टोटल यहाँ से निकलेगा, चलो निकाल लेते हैं, 24 5 हो जाएगा 0, 12 कैरी जाएगा 72 84 ठीक है, 84 हो गया। अब कह रहा था वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूड, अब यहाँ एक टीचर आ गया, 24 स्टूडेंट थे यहाँ पे, अब एक टीचर भी आ गया है, टीचर भी आ गया है, अब टोटल 25 लोग हो गए, अब ये जो नंबर ऑफ था, टोटल एवरेज इज इक्वल टू टोटल ऑफ नंबर ऑफ
नंबर ऑफ कुछ भी, बॉयज गर्ल्स स्टूडेंट कुछ भी हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अबाउट 25 लोग, टीचर आ गया है, ठीक है। यहाँ टोटल लिखे रहो, एवरेज क्या हुआ, द एवरेज राइस, अब ये समझना, 400 ग्राम एवरेज बढ़ गया। बात हमारी केजी में हो रही है, तो 34 जो 35 था उसमें 0.4 बढ़ गया। 400 ग्राम बाई 1000, 0.4 ही तो आएगा ना, 0.4 kg, ये चीज़ भी समझने वाली है, ठीक है। यहाँ 400 kg नहीं है, 400 ग्राम है, 400 ग्राम मतलब 0.4 kg, ठीक है। इसको 34 × 25 कर लेते हैं, 35 × 4 × 25 करेंगे, कितनी बार जाएगा ये, 0 आएगा, कैरी जाएगा 5 88, ठीक है। अब देखो जगह तो बची नहीं, एक मिनट मैं इसको रेस कर लेता हूँ, इसको रेस कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो पहले जो थी वो 840 थी, टीचर के आने के बाद जो 8 था, 885 हो गई, तो 885 हो गई है। जब स्टूडेंट थे तो 840 थे, कितना बड़ा है, 45 जो है इंक्रीज हुआ है। क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि टीचर आया है, और टीचर का अगर आया है तो उसका वेट 45 kg ही तो था, तभी तो बड़ा 45 kg, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो अक्सर आता रहता है ये एग्जाम में, और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ वन लाइनर था ये। इसको करते कैसे हैं, अगर सिंपल सा देखो, 24 × 35 था, डिफरेंस निकालना है, 25 हो गए जब टीचर आ गया, और 35.5 एवरेज, सॉरी 34.4 बढ़ गया, बस इनका दोनों का डिफरेंस निकाल लो, ये जो है ना इसका डिफरेंस निकाल लो, 45 डिफरेंस आएगा। मतलब जो डिफरेंस क्या है, जो टीचर बढ़ा है वही तो आया, 45 kg का जो टीचर आया है, लेडीज टीचर होगी, डोंट यू थिंक, 45 kg बढ़ा है सिर्फ, अगर जेंट्स होता लगभग 70 kg तो बढ़ता क्यों। चलिए अमूमन सारे क्वेश्चन को छूने की कोशिश की गई है, हर तरह के क्वेश्चन मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की, दो पार्ट में, मैंने एवरेज का पहला पार्ट नहीं देखा, प्लीज़ आपको देख लीजिएगा, तो ये दूसरा पार्ट था। हर तरह के एवरेज के क्वेश्चन जितने थे छूने की कोशिश की गई है यहाँ पे, मैंने कोशिश की आपको समझ, तब भी कोई पार्ट अगर एवरेज का रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, अगर कोई पार्ट रह गया है, कुछ क्वेश्चन ऐसे रह गए हैं, तो हम तीसरे पार्ट में ज़रूर लेके आएंगे। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं फेसबुक पे आ सकते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज़ क्यों नहीं करते, डू सब्सक्राइब बस, और इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे, फिर किसी वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, चलिए बाय।